हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वीडियोज ऑन फिजिक्स ऑन फिंगर टिप्स। आवर टॉपिक इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। सो देखिए, हम जो बर्नौली थ्योरम है इनके डिफरेंट फॉर्म्स की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये हमने पढ़ा है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर क्या होगा, देखिए ये टर्म हमने पढ़ी है पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। एट कॉन्स्टेंट मास पर क्या होगा, देखिए पी अपॉन रो प्लस हाफ वी स्क्वायर प्लस जी एच इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर जो दोनों एंड है उनका लेवल यानी दोनों की हाइट सेम हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए, इफ बोथ एंड्स आर एट सेम लेवल, तो दोनों सेम लेवल पे होगा तो क्या होगा, देन हम कह सकते हैं पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि हाइट भी क्या हो चुकी है, कॉन्स्टेंट हो चुकी है। सो एच टू माइनस एच वन जीरो हो जाएगा, क्योंकि एच वन इक्वल्स टू एच टू है। तो पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमने जनरल टर्म्स की बात करी है और ये डिफरेंट फॉर्म्स की हमने बात की है बर्नौली थ्योरम की।